अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलोसिटी टीवी के साथ मैं सलमान अहमद अपने थर्ड एपिसोड में आपके सामने। और जैसे मैंने वादा किया था आपके साथ कि हम थर्ड एपिसोड में बात करेंगे फैट लूज़ की, जिन लोगों ने फैट लूज़ करना है, वेट लूज़ करना है, उनकी डाइट, उनकी वर्कआउट किस तरह से होने चाहिए जो बिगनर्स हैं। अब वेट लूज़ करना तो क्या करें, भूखे रहना शुरू कर दें। ट्रस्ट मी, मोस्टली लोग ऐसे करते हैं, मोस्टली 90%+ में मैं कह दूं तो लोग ऐसे ही करते हैं। वो ये सोचते हैं कि जी खाना पीना छोड़ देंगे, ट्रेनिंग करेंगे, वॉक करेंगे, कार्डियो करेंगे, पतले हो जाएंगे। होते भी हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो अपनी रूटीन से थोड़ा सा हटते हैं वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने अपना खाना तो छोड़ दिया, अपनी एनर्जी भी वेस्ट की, फैट तो निकलना था, लेकिन अब बॉडी अंदर से हो गई वीक। जिस टाइम पे वो कुछ खाते हैं तो जो बॉडी के अंदर जो फैट है और जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं जो वीक हैं ऑलरेडी, जो उसने कर दिए हैं जानबूझ के, वो एनर्जी मांगते हैं। वो उस टाइम पे उनको डबल ट्रिपल एनर्जी चाहिए, उनको फैट रिजर्व चाहिए। जो फैट रिजर्व वो वेस्ट कर चुका है बॉडी, वो उसको वापस रिजर्व को स्टोर करना शुरू करती है, जिससे वो दोबारा मोटा हो जा शुरू हो जाता है। तो फैट लूज़ करने का बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि जब हम जिम ज्वाइन करते हैं, मेल हो या फीमेल हो, हम अपनी डाइट को स्मॉल स्मॉल मील्स में बांट दें। जैसे ब्रेकफास्ट करना है, सुबह उठे, उठते साथ एक ग्रीन टी का कप ले लिया, लेमन डाल दिया उसमें, डजंट मैटर। उसके थोड़ी देर के बाद दो वाइट एग वाइट्स, ठीक है। फिर अगर आपको भूख लग रही है बीच में तो आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, एक आधा स्लाइस ले सकते हैं, डजंट मैटर। फिर उसके बाद लंच आ जाता है। लंच में आपने क्या करना है, अब कई लोग हैं जो ये प्रॉपरली डाइट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनको चिकन और ये वो, उनके लिए सिंपल है कि वो सादा रोटी एक, उसके साथ एक बाउल सैलेड, और जो भी साधन आपके घर में है आपने मेक श्योर करना है कि उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लें ऑयल से, वो रोटी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर शाम में आप जो है वो डिफरेंट सीज़न है, अब जैसे पहले था तो ग्रेपफ्रूट था, अब है तो पीच है, उसका जूस आप पी सकते हैं फ्रेश, या आपके नेचुरल फैट बर्नर्स हैं, ये आपके फैट को बर्न करने के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। आपके मिनरल्स जो है वो ऑटोमेटिकली बॉडी में पूरे करने के लिए भी ये बहुत हेल्प करते हैं। फिर आप अपने वर्कआउट में आएँ, ज़रूरी नहीं है फैट लूज़ करना है फीमेल्स ने तो वो जिम में ही हो, या क्या उसे कहते हैं कि प्रॉपर वो उनको वो चाहिए हो, इक्विपमेंट चाहिए हो। बेसिकली आपको टेक्निक आनी चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा फैटी लोग हैं उन लोगों के लिए, तो स्पेशली मेरी एक टिप है वो ये है कि वो एकदम फैट लूज़ की तरफ कभी भी मत जाएं, वो स्लो एंड स्टडी के ऊपर जो है वो फोकस करें। क्योंकि अगर उन्होंने एकदम फैट लूज़ कर दिया तो स्किन लटक जाएगी उनकी, और जब स्किन लटक जाएगी तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो मेल हो या फीमेल हो। आपने करना ये है कि आप जब जिम जाते हैं, जिम जाके आप अपने वेट ट्रेनिंग भी करें, मसल ट्रेनिंग भी करें, उसके बाद कार्डियो भी को भी फोकस करें, फिर उसके बाद अपने जो डेली का मसल, एक मसल को आप पर्टिकुलर पकड़ लें, चेस्ट, आर्म, शोल्डर्स, वो आपने डेली बेसिस पे करने हैं, ताकि आपके जो अंदर से मसल भी डेवलप होते रहें और फैट जो है वो भी लूज़ होता रहे। उसके बाद आपने जो जाना है अपना डिनर की तरफ, तो डिनर में आपने क्या करना है, डिनर आपने जितना लाइट रखना है आपके लिए उतना अच्छा है। डिनर में आपने कार्ब्स जो हैं वो कम से कम लेने हैं। अब वो एक ब्रेस्ट पीस हो जाए चिकन का, ब्लैक पेपर सॉल्ट हो, लेमन डाल के उसको ग्रिल कर लें। चेस्ट पीस नहीं है, लेग पीस खाने को दिल करता है, आप लेग पीस भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये कई लोगों ने एक फस सा क्रिएट किया हुआ है कि जनाब आप ब्रेस्ट पीस खाएंगे तो आप स्मार्ट होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कुछ भी चिकन यूज़ करना है कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी स्किन क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे मैं हमेशा ये बात करता हूँ अपनी वीडियोस में कि मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो जर्नल हैं,
मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे को अपने सामने रख के उसकी डाइट प्लान या वो नहीं बना रहा, क्योंकि एक बंदा होगा उसका बनाना एक डिफरेंट होता है, और एक जनरल बात करना कि जो मोस्टली लोगों के लिए सूटेबल चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट हैं। ग्रीन टी का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, जब आपने फैट लूज़ करना है आप ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। कई लोग होते हैं वो कॉफ़ी पीते हैं और हाफ टी स्पून एक कप में डाल के, तो वो अल्लाह माफ़ करे पता नहीं वो अंदर एक सिप ना जाए तो वो पी रहे होते हैं, तो इतनी ज़्यादा कैफीन लेंगे तो वो तो बोन्स को वीक कर देगी भाई। तो काइंडली इस चीज़ से दूर हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, उसमें आप लेमन डालें ईजी हो के उसको यूज़ करें, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। फिर अगर आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, आप कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, फीमेल्स घर से नहीं निकल सकती, एक घर में साइकिल रख लें, साइकिलिंग शुरू कर दें उसके ऊपर, ठीक है। वॉक जो है वो घर में भी हो सकती है, क्योंकि मेल कुछ भी कर लें उनके लिए इजी है जिम के लिए टाइम निकालना, और उनको निकालना भी चाहिए, क्योंकि आप जिम जाते हैं आप अपने पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक जगह पे निकाल देते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है, बॉडी रिलैक्स होती है, ऑटोमेटिकली आपका जो डिप्रेशन लेवल है वो डिक्रीज़ होता है, स्ट्रेस लेवल है वो डिक्रीज़ होता है। तो जिम आपकी इन चीज़ों के लिए भी हेल्पफुल है। फिर आपकी जो भूख लगती है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका हाई होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं आपके लिए। अब कई लोग ऐसे हैं कि जो काफ़ी फैटी हैं, और उन लोगों को मसला जो है वो सबसे ज़्यादा आज के दौर में आ रहा है कि शुगर, उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम, उस क्योंकि आपका कैलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, आपका कैलेस्ट्रॉल लेवल इतना ज़्यादा होता है कि आपको खुद ही पता नहीं होता, और उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, उसकी वजह से आपकी शुगर लेवल हाई हो सकती है, उसकी 100 बीमारियां हैं जो आपको एक इंसान को मोटापे की वजह से जो है वो मिल सकती हैं। तो बेहतरी यही है कि आप अपने आप को स्मार्ट रखें, नॉर्मल डेज में भी आप अच्छी डाइट लें, अच्छा खाना खाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल मुंह को ताला लगा लें, मैंने जैसे पहले कहा कि भूखा रहें कभी भी नहीं। डाइट जब करनी है आपने लूज़ करने के लिए, तो आपने मैक्सिमम खाना है, मैक्सिमम। और खाना क्या है, फ्रूट्स, जूस पिए, सैलेड, ठीक है, वेजिटेबल्स के ऊपर आए, फिर उसके बाद आप ग्रीन टी, उसके बाद आप जो है वो प्रोटीन, बेसिकली प्रोटीन जो है वो डाइट में यूज़ की जाती है। जब आपने डाइट करनी है तब आपको प्रोटीन यूज़ की जाती है, तब आपने प्रोटीन की तरफ फोकस करना ज़्यादा। गेनिंग में तो आपने कार्बोहाइड्रेट भी लेने हैं, फैट भी लेना है, हर चीज़ आपने लेनी है, लेकिन जो लूज करना है आपने जब, तो लूज करते वक्त आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रोटीन की तरफ। ये नहीं है कि प्रोटीन ले रहे हैं तो जनाब आप बाकी चीज़ों को छोड़ दें, आप उनके साथ मल्टीविटामिंस लें, अच्छी मल्टीविटामिंस लें जो आपको सूट करती हैं। आप नीम गर्म दूध पी सकते हैं, ठीक है, नीम गर्म दूध पी सकते हैं आप, फिर आप जो है वो क्या उसको कहते हैं, उसमें हनी का यूज़ भी कर सकते हैं दूध के अंदर, वो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन शुगर से दूर रहना, ठीक है। वीक में नहीं, अगर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है तो एटलीस्ट 15 डेज में एक दिन आपको चीट डे चाहिए, जितना मर्जी वेट है आपका, कोई इशू ही नहीं है इस चीज़ में, आपको 15 दिन में एक चीट डे चाहिए, जिस दिन आपने सब कुछ खाना है, अपना वर्कआउट भी करना है लेकिन खाना सब कुछ है, उसके अंदर आप पिज़्ज़ा भी खाएं, उसके अंदर आपका दिल करता है बर्गर खा लें, उसका अंदर दिल करता है घर में आपने कोई देसी फूड खाना है वो खा लें, लेकिन एक दिन आपने 15 दिन में ऐसा रखना है जिसमें आपने खाना है, ठीक है। ये आपकी बॉडी को एनर्जी इस लेवल पर देगा कि आप अगले नेक्स्ट 15 डेज के लिए कैपेबल होंगे कि आप वर्कआउट कर सकें और अपनी उस जो एक्स्ट्रा फैट है उसको बर्न कर सकें। कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि जो जब कंपटीशंस पे हों या वैसे हों तो जनाब उनके पानी बंद कर दिए जाते हैं, उन बेचारे गरीबों को जिन भूखा फुल टाइम, खाना ही तो उन्हें उबला चिकन है, उबली मछली है। सर मैं आपको कहता हूँ, आप कंपटीशन पे भी हैं तो आप ना खाएं उबली मछली, ना खाएं उबला चिकन, ग्रिल्ड खाएं, उस पर लेमन डालें, उस पर अपना ब्लैक पेपर सोल्ट डालें, ठीक है, वो यूज़ करें, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं होगा आपको। ये सिर्फ एक फस क्रिएट किया हुआ है कि जनाब जो 70s के दौर से रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन है वो हम लोगों को इसकी तरफ आने नहीं देती। मेरा बेसिकली इशू यही है कि मैं बात करता हूँ तो बहुत खुल के करता हूँ,
मेरे लिए फैक्ट्स जो हैं वो मैटर करते हैं कि फैक्ट हैं वो फैक्ट है। मैं आपको ये नहीं करता सप्लीमेंट फेक है ठीक है ये है वो है, नो जो फैक्ट है मैं आपको वो बात करूंगा। और जनरली जो लोगों के क्वेश्चंस मेरे तक आते हैं मैं उन क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए जो है वीडियोस बनाता हूं और वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह आगे भी, वो प्रोफेशनली हों या ये लूज़ करने के लिए या गेन करने के लिए हों। तो बेसिक जो चीज़ है लूज़ करने की, उसमें आपका सबसे जो ज़्यादा रोल प्ले करता है वो आपका करता है किरदार। आपके पूछेंगे आप किरदार कैसे, मेंटली एंड फिजिकली दोनों आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, खाने को देख के ना करने की आदत डालनी पड़ेगी जो बहुत मुश्किल होती है, और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जब आप कार्डियो करने के बाद इंसान बहुत थक जाता है, वर्कआउट को दिल नहीं करता, लेकिन कार्डियो के बाद जब आपने वर्कआउट की तरफ आना है तो आपको अपने आप को और मोटिवेट करना है और बूस्ट करना है, अपना मॉरल और बूस्ट करना है कि मैंने आज इतना वेट करना है, आज मैंने इतना ज़्यादा ये सारा कुछ करना है। तो फिर हम इस चीज़ की तरफ जो है वो ऊपर भी आएंगे और अपने आप को बहुत बेहतरी भी पाएंगे। और जब आप अपना वेट लूज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हैं, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हैं, आपको एक अजीब पॉजिटिव एनर्जी फील होगी अपनी बॉडी के अंदर ना। तो आज का लेसन ये था, वेट लूज़ करना है, वेट लूज़ करने के लिए हमने क्या कुछ खाना है, किस तरह खाना है, ठीक है। और फिर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, उसके बाद आपका सैलेड, उसके बाद आपके फ्रूट्स, उसके बाद आपके मल्टीविटामिन्स, और आपके घर की सादी रोटी दोपहर में। रात में आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने, रात में आपने कोशिश यही रखनी है अपनी कि आप स्टीम चिकन लें और उसके साथ आप एक बाउल सैलेड का कर लें, एक ग्रीन टी, उसके साथ कोई फ्रूट अगर आपने यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो इशू कोई नहीं है। खाना खाया, 15 मिनट वॉक की, उसके बाद आप आके इजी हो गए, कोई इशू नहीं है आपको। गर्मियाँ हैं, अब गर्मियों में मोस्टली लोगों को ये इशू होता है जब वो वेट लूज़ कर रहे होते हैं तो उनको ये काफ़ी फेस करना पड़ता है, मैंने देखा है, गैस्ट्रिक हो जाती है। गैस्ट्रिक इशू बहुत से लोगों को नहीं, 99% लोगों को होता है, लेकिन शायद उनको पता भी नहीं होता। उसके लिए आप देखें कोई लीवर टॉनिक आपने लेना है अपना साथ, ठीक है, आप मस्त लें, क्योंकि जब आप फैट लूज़ कर रहे हैं तो अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकता आप देसी संदल के शरबत पीना शुरू कर दें, जामेश्वरी शुरू कर दें, तो आप लीवर टॉनिक अच्छे से अपना किसी डॉक्टर से लिखवाएं, वो आपको रेकमेंड करेगा आपकी बॉडी को और आपकी फिजिक को देखते हुए कि आपको क्या सूट करता है। ये चीज़ें वो हैं जो आपने केयर रखनी है जिनकी, स्पेशली गर्मियों में, खासकर आपने जब अपने आप को लूज़ करने की तरफ आना है, आपने अपना LFT RFT ये मस्त करवाना है ताकि आपको अपनी इनिशियल कंडीशन का पता लगता रहे। तो इस तरह से हम अपनी इन चीज़ों को फोकस भी कर सकते हैं, क्योंकि सेहत ज़रूरी है लेकिन एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्कआउट करते रहें, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपने आप को जान मारते रहें, ठीक है, फाकों पर आ जाएँ, खाना छोड़ दें, घर वाले भी आपको कहें कि ये कोई नशों पर तो नहीं लग गया, तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। आज हमारा ये टॉपिक था फैट लूज़ का, वो मैंने आपको बताया बिगनर्स के लिए क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा, वेलोसिटी टीवी के साथ इंशाल्लाह। आप प्लीज़ मेरे पेज को लाइक कीजिए, वेलोसिटी टीवी के पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल मेरे को जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली बेसिस पे वीडियोज़ मिलती रहें और आप जो भी उससे बेनिफिट आप उठा सकें वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। थैंक यू सो मच, सलमान अहमद, अल्लाह हाफिज़।